रैपिडो ने हमारे साथ 122 रुपीज़ का स्कैम कर दिया है। 122 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगी, ये जब पेनल्टी आप पे लगाया हमने का जो पता है कि 122 रुपीज़ कैसे रिकवर करना है। तो गाइस हम लोग अभी सुबह उठ चुके हैं, जो टाइम हो रहा है गाइस 7:07 सिर्फ 45 मिनट और पूरा फ्रेश व्रेश होने जा रहे यार। एंड फिर जब तैयार हुआ जो था ठंड काफ़ी ज़्यादा यार, ये देख सकते हो काफ़ी ठंड है, मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा यार, बट काम करना है। आज ना संडे है तो देखते हैं आज कितना काम होता है। संडे को तो गाइस और दिनों के मतलब काम कम होता है यार संडे के दिन, क्योंकि आज लोग काफ़ी ज़्यादा लोग निकलते गाइस। तो गाइस अभी हमने ये मेरा मोबाइल चार्जिंग में लग चुका है, ये मेरा पावर बैंक ये भी चार्ज है, ये हमारा हेडफोन में गाइस चार्ज है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तैयार होने गाइस, तो मिलते हैं गाइस। तो ये हमारी एक सुबह की चाय एंड हमने गर्म पानी पी लिया है, एंड देन इसके बाद फ्रेश होते हैं, एंड डन फ्रेश होने के बाद सब नहाए वहाएँगे, कपड़े वपड़े पहनेंगे, फिर अपने 7 बजे लगभग 7:15 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे गाइस। और ठंड काफ़ी ज़्यादा, मैं आपसे बता दूँ कि दो तारीख से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन करना पड़ रहा है एंड काम भी अच्छा हो जा रहा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग तैयार वार हो जाते हैं फ्रेश व्रेश होने के बाद से, फिर गाइस मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग फाइनली जो है अपने कपड़े वपड़े सब पहन लिया गाइस। एंड कपड़े की बात करें गाइस तो हमने एक अंदर बनियान पहना हुआ है, एंड देन उसके बाद इनर पहना हुआ है, इनर के बाद से एक शर्ट है, शर्ट के बाद से गाइस एक ये स्वेटर भी, स्वेटर के बाद से एक जैकेट है। गाइस आज काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, आज मतलब इस ठंडी का सबसे ठंडा दिन है। आज टेम्परेचर की बात करूँ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज जो टेम्परेचर है गाइस, बिलीव नहीं करोगे, ये देखो गाइस आज जो टेम्परेचर है आप देख रहे हो 5 डिग्री जिसमें शो हो रहा है, एंड 5 डिग्री है। एंड जो भी टाइम हो रहा है गाइस 7:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है, एंड बाइक पे और ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है गाइस, तो देखते हैं इतनी ठंडी में कितना काम हो पाता है। एंड अभी हम लोग सब तैयार हुआ, बस नाश्ता बचा हुआ है, अपना ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं गाइस अपनी पहली राइड के लिए, फिर देखते हैं आज क्या अर्निंग होती है। एंड आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है गाइस, 2 तारीख से जो ठंडी पड़ रही है गाइस वो इस मतलब बिल्कुल बेहतर। जो लखनऊ आते होंगे उन्हीं को पता है, जो दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं ना, वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कहते हैं दिल्ली में उतनी ठंडी नहीं है जितनी कि लखनऊ में ठंडी है यार, और 2 तारीख से कंटिन्यू बहुत ज़्यादा ठंडी है। डेली का जो टेम्परेचर की बात करें गाइस तो लगभग 5-6 ही रहता है, 6-7 रहता है, बट आज 5 डिग्री है। और बाइक चलाने पर गाइस आप मान लो 2 डिग्री और कम कर दो गाइस तो ये लगभग 2-3 के अप्रॉक्स होता है। बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी है, और फिर देखते हैं आज कितनी अर्निंग होती है। एंड गाइस आज संडे है तो संडे को काफ़ी जो प्राइवेट जॉब वाले भी जो लोग होते हैं ना आज वो निकलते हैं अपना मतलब एक्स्ट्रा खर्चे के लिए, तो आज उतना काम नहीं हो पाता है। नाश्ता आ चुका है, एंड ये आप देख रहे हो ये अंडा ब्रेड है, एंड मॉर्निंग में गाइस हम मतलब यही अंडा ही और ब्रेड ही खाते हैं, एंड देन उसके बाद लंच में अपना रोटी रहता है, रोटी सब्जी रहता है। तो गाइस अभी तो ये अपना नाश्ता है, नाश्ता करके बस अभी फटाक से निकलते हैं यार, टाइम काफ़ी ज़्यादा बीत रहा है, संडे भी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, कंपटीशन भी आज बढ़ जाता है यार। तो यार नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं गाइस, तो गाइस अब इसके बाद बाहर मिलते हैं अपने नाइट पे, ठीक है, राइड पे मिलते हैं गाइस। आज आप खुद देख सकते हो यार गाइस की मतलब फॉग कितना ज़्यादा है, एंड गाइस विजिबिलिटी की बात करें तो गाइस सीरियसली मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाइस 50 मीटर से या 30 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, आप इधर देख सकते हो गाइस, एंड ये बाइक चल रही है तो इस वजह से गाइस विजिबिलिटी और मतलब कम होती जा रही है, एंड आप देख रहे हो फॉग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आज मतलब ये है कि यार पहले से काफ़ी ज़्यादा आज मतलब इस मतलब ठंड का सबसे ज़्यादा फॉग डे है, एंड आप देख सकते हो यार बाइक चल रही है इस वजह से आपको विजिबिलिटी मतलब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, एंड हमारे पास अभी एक राइड आ रही है ऊबर पे, तो इसको यार पास कर देते अभी, अरे यार उठ गई और सेफ्टी का। रैपिडो प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ कि रैपिडो में कल गाइस मैंने एक अपना जो बैलेंस था वॉलेट वाले मैंने उसको रिडीम किया था, बट इन्होंने गाइस पेंडिंग कर दिया, आप देख सकते हो ये मेरा 122 रुपीज़ का इन्होंने पेंडिंग रखा है, जो इन्होंने बोला रखा है 122.75 का मेरा पेमेंट है, और कल मैंने इसको रीज़न लिखा हुआ है क्लेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड आवर टीम विल बी रीच आउट यू शॉर्टली, मतलब यार ये यार ऑनलाइन पेमेंट में यही इशू होता है कि कल मतलब मैंने मतलब 8:06 पर रिडीम किया, बट अभी तक ये गाइस इन्होंने होल्ड कर रखा, अभी तक अकाउंट में नहीं आया,
और गाइज मैंने रेपिडो केयर को फ़ोन भी किया था लगभग 2 से 3 बार, बट इन्होंने कह रहा हो जाएगा आप मतलब, तो गाइज लगभग 24 घंटे हो गए बट अभी तक गाइज अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ऑनलाइन रेपिडो ऑनलाइन में यही इशू होता है यार, इसीलिए हम लोग कस्टमर को बोल देते हैं यार कि यार सर हमें बस कैश पेमेंट कर दो या हमें खुद से पर्सनली फ़ोन पे जीपे कर दो, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी इशू होता है, वो पेमेंट होल्ड कर देते हैं फिर वो लोग फिर चेक करते हैं, अब क्या बताया जाएगा इसको। गाइज अभी जो राइड आ रही है वो काफ़ी मतलब इतनी अच्छी राइड नहीं आ रही, मतलब यार पिकअप लोकेशन ज़्यादा है एंड ड्रॉप कम है, कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो अभी देखते हैं अपनी राइड का वेट करते हैं एंड आप देख सकते हो गाइज वहाँ पे एक और राइड आई हुई है ऊबर पे, एंड आप देख सकते हो गाइज इसका जो पिकअप है 4.2 है एंड ड्रॉप इसका 4.9 है, मतलब आप जितना पिकअप के लिए जाओगे उतना ड्रॉप करना है, तो यार क्या मतलब बनता है ऐसी राइड का। तो देखते हैं अपनी कोई अच्छी राइड का वेट करते हैं, काम हुआ तो ठीक है वरना फाइनली घर जाना पड़ेगा। तो गाइज हमारी ऊबर पर पहली राइड कंप्लीट हो चुकी है एंड जो हमारे ट्रिप थी गाइज ये 93.58 की जन टाइम हो रहा है गाइज 9:07 हो रहा है एंड अभी हमारी ओला पे कोई राइड नहीं हुई है, जीरो राइड, हम इसको लॉग इन कर लेते हैं गाइज एंड देन हम रैपिडो पे भी अभी फूड अर्निंग 0 दिखा रहा है एंड 9:07 हो रहा है गाइज। एंड गाइज अभी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने कल जो बैलेंस था और रिडीम जो किया था उन्होंने मतलब ये देखिए गाइज, तो कल मेरा जो मनी ट्रांसफ़र था गाइस ये इन्होंने मैंने रिडीम किया था अपने अकाउंट में, बट इन्होंने पेनल्टी के तौर पे इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया एंड सो गाइस रैपिडो ने हमारे साथ 122 रुपीज़ का स्कैम कर दिया है। कल हमारे वॉलेट में 122 रुपीज़ था, एक जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट हुआ था कस्टमर की तरफ से 100 रुपीज़ का एंड पहले से 22 रुपीज़ था मतलब इंसेंटिव का, तो हमने 122 रुपीज़ गाइज अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, बट उन्होंने 24 घंटे के लिए होल्ड कर दिया था एंड 24 घंटे होल्ड करने के बाद से आज उनका फ़ोन आया 24 घंटे बाद सुबह मॉर्निंग में एंड उन्होंने बोला कि आपकी जो 122 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगी, ये जब पेनल्टी आप पे लगाई हमने का क्यों, उन्होंने कोई ऐसा मतलब ऐसा रीज़न नहीं बताया, कह रहे कि राइड आपकी ऐसी थी वैसी थी, मतलब अजीब तरह का। फिर मैंने कहा ठीक है मुझे पता है कि 122 रुपीज़ कैसे रिकवर करना है एंड अभी रैपिडो से 122 रुपीज़ हमको रिकवर करना है। तो गाइज मैं बस इससे ही कहना चाहता हूँ यार कि अगर कस्टमर अगर से आप ऑनलाइन पेमेंट लो, मतलब आप पर्सनली फ़ोन पे जीपे लो, बट यार आप रैपिडो को ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट मत करो। तो अभी गाइज आज जो भी राइड आएगी रैपिडो की सारी राइड कैंसिल करके ले जाऊँगा एंड 120 रुपीज़ मैंने मेरे रैपिडो ने खाए और 122 रुपीज़ की जगह रैपिडो को काफ़ी दिक्कतें होने वाली है। रैपिडो आप मुझसे 1 रुपया नहीं ले सकता है, अभी देखते हैं उसको 1 रुपया नहीं कमाने देगा। और गाइस इतनी ठंडी है गाइस, इतनी ठंडी है मैं आपसे बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा है यार कि पूरा जो मेरा हाथ पैर है पूरा फ्रीज हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा ठंड। कस्टमर भी बोल रहा है यार कि ऐसी ठंडी आज तक मैंने नहीं देखी एंड हमारी राइड कम्प्लीट हो चुकी है ऊबर का गाइस, अपने नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं एंड यार सुबह सुबह यार कल पहली राइड थी रैपिडो पर ऑनलाइन था एंड वो स्कैम हो चुका है रैपिडो की तरफ से एंड वो 122 रुपये वो हमारे खा चुके हैं। तो बस हमें भी खाने आता है कि हमें रैपिडो से कैसे पैसे खाने हैं और वो 122 की जगह वो कितने रुपए देंगे रैपिडो को भी नहीं मालूम है गाइस। सो गाइस जो टाइम हो रहा है अभी 12:30 हो रहा है एंड लॉगिन हुए अप्रॉक्स 5 घंटा हो गया एंड हमारी जो ऊबर पर अर्निंग हुई है गाइस ये 3 राइड कम्प्लीट हुई है 251 रुपये की गाइस एंड हमारी ओला पे अभी कोई राइड नहीं हुई है, आप देख सकते हो 0 राइड है एंड अभी मैंने उसको ऑफलाइन ही रखा था एंड देन इसको भी ऑनलाइन मैंने कर दिया है एंड गाइज रैपिडो पे क्या था कि आज उन्होंने तो मूड ख़राब ही कर दिया रैपिडो वालों ने, तो गाइज इस पर भी कोई मतलब आज राइड नहीं हुई है और एक राइड आई थी बट मैंने कैंसिल कर दिया गुस्से में था, बिकॉज कि यार जब आपके साथ सुबह सुबह ऐसा हो जाए तो क्या। तो गाइज जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है आज 3 राइड पर 251 रुपये की गाइज। तो गाइज जो सुबह के टाइम हो रहा 12:30 हो रहा है एंड सुबह से अभी तक आज हमारी 3 राइड हुई है एंड 3 राइड पे जो हमारी अर्निंग हुई है 251 रुपये की हुई है एंड ओला पे कोई राइड नहीं है एंड रैपिडो पे गाइज राइड आ रही थी, बट यार जब आपको सुबह मालूम चले कि यार इतनी ठंड में आपके 122 रुपये आपके वेस्ट हो गए मतलब और ऑनलाइन पेमेंट पे, तो यार आपका मूड तो ख़राब हो जाएगा। तो राइड आ रही थी बट मैंने उस पर गाइज कोई राइड एक्सेप्ट नहीं की रैपिडो पे,
क्योंकि यार इतनी ठंडी में आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको राइड क्या किया क्या ही कर सकते हो आप। एंड बस तो बस आज मूड ख़राब हो गया गाइस कि मतलब कल मैंने फर्स्ट राइड की थी 100 रुपीज़ की एंड उसके बाद से वो मैंने वॉलेट में ट्रांसफ़र किया था। बट तो गाइस अभी हमारे पास एक राइड आई है उबर पे एंड अभी गाइस हम उसको पिक करने के लिए जा रहे हैं। एंड अभी जो टाइम हो रहा है गाइस 12:40 हो रहा है, लगभग 10 मिनट बाद हमारी एक राइड आ चुकी है। एंड अभी देखते हैं गाइस, इस पर जो अर्निंग शो हो रही थी वो 77, बट उसमें हमें और जो डिस्टेंस था गाइस वो 11 किलोमीटर का था। जो फेयर ऊबर पे गाइस शो होती है उसमें इंक्लूडिंग टैक्स भी रहता है, मतलब अगर आप लोकेशन में बढ़ गए जहाँ पे आप देख रहे हो ये गेट तो बंद है एंड और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा गाइस, समझ में नहीं आ रहा किधर जाए। मैंने कस्टमर को गाइस फ़ोन करने के बाद से वो फ़ोन भी नहीं पिक कर रहे हैं, तो गाइस अभी देखते हैं 5 मिनट वेट करते हैं देन इसके बाद कैंसिल कर देते हैं। यार आज का पूरा मतलब लग नहीं रहा दिन सही है यार, कस्टमर फ़ोन भी नहीं उठा रहा गाइस, तो लास्ट टाइम एक बार अटेम्प्ट करते हैं कॉल का एंड देन। और गाइस ये जो पिकअप थी ये 3 किलोमीटर था एंड 3 किलोमीटर हम पिकअप करने आते हैं एंड देन कस्टमर पता चला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो यार इसीलिए अगर गाइस अगर आपके पास लॉन्ग पिकअप आती है तो प्लीज़ पहले कस्टमर को फ़ोन कर लें, राइड कंफर्म कर लें, फिर आप मतलब मतलब अपने उसके लिए जाए। सो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:16 हो रहा है एंड गाइस लगभग 2 घंटे हो गए हमारे पास कोई राइड नहीं आई हुई है। एंड अभी आप देख सकते हो जो हमारी ऊबर पे अर्निंग हुई है वो 3 राइड पे 258 रुपये की, जिसमें 7 रुपये कैंसिलेशन था। एंड ओला पे भी गाइस अभी तक 0 राइड है एंड इसमें भी कोई अर्निंग नहीं हुई गाइस। एंड रैपिडो पे भी गाइस आप देख सकते हो कि इसमें भी जो ये कैंसिलेशन था 4 रुपये एंड जो अभी तक आज कोई अर्निंग नहीं हुई गाइस। एंड टाइम आप देख ही सकते हो गाइस 2:15 हो रहा है एंड गाइस इसका मेन रीज़न यही है कि आज संडे भी है देन इसके बाद जो राइडें आ रही है वो काफ़ी फालतू की राइड आ रही है एंड आज ऊबर पे भी हमारी राइड कैंसिल हो चुकी है गाइस, इस वजह से राइड भी नहीं आ रही है गाइस। तो एंड रैपिडो पे भी हमारा आज स्किप ज़्यादा हो चुके हैं एंड रैपिडो आज करने का मन भी नहीं कर रहा गाइस एंड राइड उतनी अच्छी आ भी नहीं रही कि इस पर राइड करें। सो गाइस अपने पास अभी ऊबर की कुछ टाइम पहले राइड आई थी जिसका पिकअप लोकेशन अप्रॉक्स 3 किलोमीटर था एंड वहाँ पर हम मतलब कस्टमर को हम फ़ोन नहीं किए थे एंड पिकअप लोकेशन में पहुंचने के बाद हम कस्टमर को कॉल करते गाइस तो कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा था, लगभग 1-3 बार कॉल किया था एंड जस्ट 10 मिनट वेट भी किया, हमने मैसेज भी किया कि आई एम अराइव्ड एंड बट कस्टमर मतलब कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था गाइस। तो फिर 10-15 मिनट बाद मैं राइड को कैंसिल कर देता हूँ गाइस एंड देन हमें मिलता है 7.5 रुपये गाइस। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई भी लॉन्ग पिकअप का अगर आपके पास बुकिंग आती है ऊबर पे हो रैपिडो पे हो या ओला पे हो देन सबसे पहले आप वो कस्टमर को कॉल कर लो एंड देन उसके बाद फिर आप जाओ, क्योंकि अगर आप गाइस बिना कॉल किए बिना कंफर्म किए अगर आप जाते हो तो देन आप ही का लॉस होगा, क्योंकि 3 किलोमीटर का अगर कैंसिलेशन भी मिलता है आपको तो 7.5 रुपया ही मिलेगा, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं गाइस कि आप 3 किलोमीटर का 7.5 रुपया एंड देन गाइस हम 2 किलोमीटर फिर से वापस आए क्योंकि जहाँ की लोकेशन थी वहाँ से राइडें नहीं मिलती है गाइस, तो अभी हमारा ही 5 किलोमीटर का लॉस हो गया गाइस। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी राइडर है कि अगर पास लॉन्ग पिकअप आए आपके पास तो प्लीज़ आप पहले कस्टमर को कंफर्म कर लें कि सर आपकी राइड है क्या, देन फिर उसके बाद से आप जाएँ क्योंकि लॉस फिर आपका ही होगा गाइस। एंड आप कोशिश करो कि लॉन्ग पिकअप पे मत जाओ क्योंकि लॉन्ग पिकअप क्या कस्टमर कभी बीच में कैंसिल कर देता है कंफर्म करने के बाद से भी, देन तो उसके बाद से फिर आप ही का लॉस हुआ एंड जो कैंसिलेशन मिलता भी है गाइस तो और रैपिडो में जब तक आप अराइव नहीं होगा फिर आपको कैंसिलेशन नहीं मिलेगा और ऊबर पे भी अराइव करने पे ही, तो क्या फ़ायदा जब अगर 3 किलोमीटर अगर आप जाते हो पिकअप पे एंड देन आपकी राइड कैंसिल हो जाती है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि यार कि आप लॉन्ग पिकअप आप एक्सेप्ट मत करो एंड देन लॉन्ग पिकअप करना भी है अगर अच्छी राइड है बड़ी राइड है तो देन पहले कस्टमर को कॉल कर लें कंफर्म कर लें, नहीं तो गाइस जो अभी मेरे साथ हुआ है मतलब राइड कैंसिल हो गई 3 किलोमीटर जाने के बाद एंड 2 किलोमीटर वापस आना पड़ा, मतलब 5 किलोमीटर मेरा वेस्ट हो गया गाइस। एंड देन अभी जो टाइम हो रहा है गाइस वो 1 बजा हुआ है 1 बज गया एंड जो अभी तक मेरी अर्निंग हुई है 3 राइड पे 250 रुपये की हुई है गाइस, तो अभी देखते हैं। एंड गाइस जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग बनाता हूँ उस फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है जी, अभी मेरा ये दूसरा फ़ोन है जिसमें मेरा ओला उबर चलता है तो अभी इसी से वीडियो बन रही है गाइस, अभी देखते हैं क्या अर्निंग होती है गाइज और मैं मतलब 5 बजे तक आज काम करना फिर हम घर चले जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग क्या है कि घर जा रहे हैं एंड आज की जो टोटल अर्निंग हुई है गाइज
ये 7 घंटे में 350 रुपये की अर्निंग हुई है, एंड आज संडे भी है जिसकी वजह से ये भी रिटर्न हो सकता है। हमारे पास राइड भी थोड़ी अच्छी नहीं आई, मतलब जो आज ऊबर पे भी कैंसिल राइड हो चुकी है, रैपिडो पे भी उसी दिन आपके मतलब राइड कैंसिल हो जाती है 2-3 राइड, तो वो मतलब ऐप से आपको राइड एक्सेस मतलब नहीं मिल पाती है। तो यार आज संडे का मतलब यही है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।